हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। मेरा ख्याल है मैं आई थिंक 2 or 3 months के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो काइंडली जो जो मेरे चैनल को देख रहा है, जो मेरी वीडियोस को देखेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो एक्चुअली मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि आज से कंटिन्यू करूँगी अपने व्लॉगिंग और मैं रोज़ व्लॉग बनाया करूँगी ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से कॉन्टेंट बनाऊँ और अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि एक्चुअली मेरा बेबी होने वाला था और मुझसे वीडियोस बनती नहीं थी और इसीलिए मैं वीडियोस बना नहीं सकी और मेरे पास टाइम भी नहीं था होता, क्योंकि इतना मैं आवाज़दार हो जाती थी अपने आप से कि मुझे व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं था मिलता और ना ही मेरे से कोई काम होता था। तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था थोड़े अरसे के लिए। तो उसके बाद अब मेरी डिलीवरी होगी, देन मैं अपने मामा के घर पर चली गई थी डिलीवरी के टाइम और फिर वहाँ पर भी मेरे से व्लॉगिंग नहीं होती थी। और फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो फिर मैंने कहा कि काफ़ी छोटा है, इसके ऊपर मैं तवज्जा ज़्यादा दूँ, इसकी केयर करूँ, देन मैं बनाऊँगी व्लॉग। तो अब मेरा बेटा माशाल्लाह से 2 माह और 10 दिन का हो गया है। तो मेरा बेटा वो देखिए वो पीछे खेल रहा है, वो छोटा सा बिल्कुल 2 months का है। और बस मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बना रही थी तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर करती हूँ और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। और मैं अपने बेटे को भी दिखाती हूँ आपको, मतलब उसका फेस नहीं दिखाऊंगी, वैसे बताऊंगी। ये देखिए उसका झूला पड़ा हुआ है, ये उसका मैंने बेबी कोट लिया हुआ है, ये मुझे अच्छा लग रहा था। इसको ना आप इसको ऐसे उठा के इधर भी वाली साइड पर भी ले आते हैं और इधर भी ले आते हैं, अभी तो ये छोटा है तो इसलिए मैं फिर इसको इधर करके इधर अपने बेड के साथ बिल्कुल कर लेती हूँ और इसको रात को इधर सुलाती हूँ। ये उसका बेड है छोटा सा, इसका बिस्तर लगा हुआ है, इसके पीलोज़ वगैरह हैं, वो उसका तकिया है, ये उसके ऊपर चादर देती हूँ मैं रात को ये तो नहीं देती क्योंकि एसी चलता है, इसके ऊपर मैं इसका ब्लैंकेट देती हूँ, ये ब्लू कलर का ब्लैंकेट ना इसका, ये वाला इसके ऊपर मैं देती हूँ ताकि ईजी होके सो जाए आराम से। तो बस ये मेरे बेबी का बेड है छोटा सा, ये देखें कितना क्यूट सा है। और ये मेरा बेटा देखें ये लेटा हुआ है, ये छोटा सा बेबी मेरा, ये तो मामा का बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मामाज बॉय शर्ट पहनी हुई है इसने, ये मेरा प्यारा सा बेटा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका फेस भी रिवील करूँगी और फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी और इंशाल्लाह से मैं रोज़ व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी अब से, और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बना सकूं। और ये देखिए मेरी नेल पॉलिश को मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैंने अपने बच्चे को भी संभालना होता है, खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो बस इसीलिए टाइम नहीं मिलता। तो ये देखिए मेरी नेल पॉलिश उतर रही है और ये कुछ उतरी हुई है और कुछ लगी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं ये भी उतार लूँगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने बेबी का फेस भी दिखाऊँगी। माशाल्लाह से मेरा बेटा पैदा हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, बहुत क्यूट सा, अब वो शरारतें कर रहा है, अभी सिर्फ 2 months और 10 days का हुआ है तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और बड़ा होगा ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका फेस ज़रूर दिखाऊंगी। बस यही वजह थी कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी और किस वजह से बना रही थी, बस यही वजह थी। ये मेरा छोटा सा बेटा प्यारा सा, बस इसने पैदा होना था तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और मुझसे बन भी नहीं रहे थे। तो बस अब ये मैंने साइड पर टीवी लगाया और बस मेरा बेटा कहता है कि मेरे सामने सामने रो, फिर चुप रहता है वो, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ तो साथ ही वो रोने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह से वो तंग नहीं करता, बहुत अच्छा बच्चा है। और ये देखिए मेरे बालों का हेयर कलर कैसा लग रहा है, मैंने कैराटीन कराई थी, भाई कैराटीन नहीं कराई, कैराटॉक्स कराई थी, तो देखिए बताएं मुझे ये कैराटॉक्स कैसी हुई है। बस मैंने अपने बालों को ब्लो ड्राई करना होता है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटनिंग कोई कुछ नहीं यूज़ करती, बस ब्लो ड्राई से ही मेरे बाल बिल्कुल अच्छे और फ्रेश हो जाते हैं। तो बस यही ये मैंने अपनी करवाई थी डिलीवरी के बाद और मैंने अपने घर आने से पहले, मैंने अपने ससुराल में आने से पहले बस ये देखें। और वो एक मेरी ब्लॉगर है वो कहती है कि अपना फर्नीचर दिखाएं और अब मुझे देख लें मेरा फर्नीचर वो मतलब इतना कहती है कि मुझे फर्नीचर दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं, आपने पेंट कहाँ से करवाया, मैंने इवन के जहाँ से बनवाया बेड वो भी मैंने बता दिया, शायद वो मेरा व्लॉग देखेगी। तो बस ये देखें ये मेरा बेड है और ये मैंने बेड देख लें और ये मेरा टीवी भी लगा हुआ है, बस मैं टीवी देख रही हूँ।
आज मैंने आप लोगों को बस यही बताना था कि मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं व्लॉग सुबह ज़रूर डालूंगी और आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह मैं अब रोज़ व्लॉग बनाया करूँगी। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपना मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना है ताकि ये चले और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को मेकअप का भी ट्यूटोरियल दूंगी, हर चीज़ दूंगी। ये मेरी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। चलें भाई, अब नेक्स्ट व्लॉग मैं सुबह बनाऊंगी अपनी रूटीन का कि बेबी के साथ मेरी रूटीन क्या है। तो टिल देन, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।